साल की 17 अक्टूबर हम सब के लिए खास दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे प्रिय बापू को वो सब मिला जिसके पाने के बाद बापू को कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रही। बापू जी इसी दिन को अपना असली जन्मदिन मानते हैं। आज ही के दिन बापू जी को आत्म साक्षात्कार हुआ था। जी हाँ, यही वो खास दिन है जब ईश से ईश की मुलाकात हुई और बापू जी ने ब्रह्म ज्ञान का स्वाद चखा। आज बापू चाहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का वो आनंद हम सबको मिले। चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ओम सज्जम च वर्ति संयुक्तम वन्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम ओम दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्य नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमो नमः आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवम् प्रति गच्छति हरि ओम। मेरे असली जन्म दिवस की आपको बधाई हो और मेरी मुझको भी बधाई हो। 84 लाख योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटकते भटकते आए, सतगुरु ने जन्मदिवस आज के दिन करा दिया। ऐसा जन्मदिवस सभी का हो भगवान करे। गुरु कृपा की जो प्रसादी से जन्मदिवस होता है वो वास्तविक में पूर्ण गुरु कृपा मिली, उसका हम बदला नहीं चुका सकते और इस जन्म दिवस को हम मनाए बिना रह भी नहीं सकते। हमारे प्यारे और हम भी 2.25 करोड़ लोगों का शरीर का जन्म दिवस तो होता है, लेकिन इस आत्मा परमात्मा की मुलाकात का दिवस कभी कभार कहीं धरती पर किसी किसी के जीवन में घटता है। वो गुरु कृपा से हमारे जीवन में आया, इस दिवस को भी खूब खूब शाबाश धन्यवाद। हम हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करते कि थोड़ी थोड़ी गलती को भी बख्शो नहीं, और थोड़ा थोड़ा भी सेवा का मौका, सत्संग का मौका, साधना का मौका, जप का मौका, चाहे श्वासोश्वास का जप हो, चाहे माला का जप हो, चाहे एक टक देखने का जप हो, थोड़ा जप कर लो, थोड़ी माला कर लो, थोड़ा किताब पढ़ लो, थोड़ा 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 करके बहुत कुछ हो जाएगा और एक दिन तुम्हारा भी आएगा। चाहे आंसू दूसू दो दिवस हो या तीज भी होगी तो चल जाएगा, चौथ का भी तुम इनकार मत करना, पंचम आएगी तो भी क्या है, छठ को भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सप्तमी को भी हो जाए,
नौ दिन के नौरतों में कौन सा नौरत ताकि तुम्हारी लाटरी जग जाए, लेकिन होगा तो जरूर, क्योंकि नौरतों के दिनों में और ये पर्व महापर्व विश्व में धरती पर कहीं कहीं कभी कभी किसी का ऐसा पर्व होता है जो आत्म साक्षात्कार दिवस। जन्म दिवस तो विश्व भर के मानव का होता रहता है, लेकिन आत्मा परमात्मा की मुलाकात का दिवस, मुझे मेरे शरीर का जन्म दिवस लाखों लोग मनाते हैं, मुझे इतना उसमें रुचि नहीं है, लेकिन ये दिवस मनाएंगे तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा, मंगल होगा, तो इसमें तो मेरा मन भी होता है कि चलो ये तो मनाओ, मैं भी मनाता हूँ। मेरे गुरुदेव के हृदय से मेरी गैर हाजिरी में ये उद्गार निकले कि जो गुरु की आज्ञा मान लेता है तो प्रकृति की प्रकृति उसकी आज्ञा क्यों नहीं मानेगी। क्या जरा सी सेवा और क्या महान वरदान। 2400 घंटा साथ रहने वाले सेवक, उस समय किसी को कुछ हुआ, किसी को शौच जाना हुआ तो किसी को तैयार होने के लिए नहाने को जाना पड़ा। मेरे गुरुदेव जब आखिरी श्वास लेने वाले थे तो इसी गोद में मेरे गुरुजी का मंगलकारी ज्ञानदाता मस्तक इसी गोद में, और निगाहें मेरी निगाह में, मेरी निगाहें उनके श्री चरणों में, और दृष्टि से जो कुछ बरसा बरसाया उसी का फल है कि अभी लाखों करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले आसोद सुद दो दिवस, दूसरा नौरता, 40 दिन का अनुष्ठान नर्मदा किनारे पूरा हुआ, तड़प बड़ी, बार बार इष्ट देव कह रहे हैं कि तुम लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। अनुष्ठान करते और अनुष्ठान पूरी, अनुष्ठान की मालाएं जब तक पूरी न हो तब तक सोना संभव नहीं था, हमारा नियम ऐसे ही था। तो माला करते करते कभी बीच में दिन में कोई आ गया हो तो थोड़ी मालाएं रुक जाती, तो रात का 1 बज जाता 1:30 बज जाता, माला पूरी करके सोते तो जवानी थी, नींद ऐसी आती कि चट से सुबह हो जाता, और सुबह को हम चलते नर्मदा जी के बालू हमारे पैरों में घुस जाते, क्योंकि छछुंदर चूहे जैसे होते वो जंगल से, जंगल में गुफा थी, वो फूंकते जाते और हमारी चमड़ी चाटते जाते, खाते जाते। किसी संत ने बताया कि पैर में जो घाव हुए वो छछुंदर होने तुम्हारे पैरों को चीर खाया। उन दिनों में पता नहीं चलता था लक्ष्य अपना उस परम तत्व परम शांति को पाने का था। प्रभु जी तुम कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, अंदर से आवाज आता गुरु चरण में पहुंच जाओ, लीलाशाह जी के चरण में पहुंच जाओ, हम वहीं सभी रूप में मिलेंगे। तो ये कौन बोल रहा है कि जिसका तुम अनुष्ठान कर रहे हो वो बोल रहे, लेकिन ये आवाज तो दोनों मेरी है, ये भ्रम तो नहीं है कि नहीं नहीं तुम जाओ और हम मिलेंगे। 40 दिन पूरे हुए और चल पड़े, सुबह के 9:30-10 बजे होंगे, गुरु जी के दर्शन हुए, आंखों से झरझर आंसू बरसे, गुरु जी ने निगाहों में निगाह डाली, कैसे कहां से आया, घर भेज दिया था गुरु जी ने, फिर घर से नर्मदा किनारे गए थे, घर में रहने का हमारे बस का नहीं था। 40 दिन का अनुष्ठान पूरा होते ही फिर गुरु जी नैनीताल से बंबई के पास वज्रेश्वरी गणेशपुरी के एकांत जंगल में आकर किसी शांत जगह में ठहरे थे, वहाँ का एड्रेस पा लिया था, हम वहाँ पहुँचे। गुरुदेव ने देखा, निगाहों में निगाहें डाल के, तड़प थी, आँखों में आंसू थे, वाणी मौन थी, समझदारों के शिरोमणि सदगुरु के चित्त से वे पवित्र शब्द उच्चारित हुए, भगवान सब भला करेंगे, अच्छा करेंगे। दोपहर का भोजन आदि हुआ, सेवक आया कि साईं बुला रहे, करीब 1:45 बजे होंगे। साईं बैठे थे, एक सेवक के हाथ में पंचदशी थी,
5 और 10 प्रकरण जिस ग्रंथ में थे, पंचदशी का सातवां प्रकरण कोई पढ़ रहा है और गुरुजी ने संकेत किया कि सुनना। उसमें था किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसृज्यते, पक्का याद है मुझे। गुरु कृपा ने विवेक की रोशनी दी, पाना है तो उस पर ब्रह्म पद को पाना है। ज्ञात्वा देवम सर्व मुच्चेत सर्व पाशे बहुस, आत्मदेव को जानने से सारे बंधनों से आदमी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। बस उसकी तड़फ लगन थी। पंचदशी पढ़ने वाला पढ़ रहा है, हम सुन रहे हैं और गुरुदेव अपने गुरु स्वभाव में विश्रांति योग में थे, इस प्रकार बैठे थे। आज्ञा केंद्र पर हाथ था गुरु जी का और गुड्डे ऐसे करके बैठे थे। हम सुन रहे थे, गुरु जी के भी दर्शन कर रहे थे। चातक मीन पतंग जब पिया बिन रह नहीं पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। जरा सा दृष्टि खोली, समझे पे हो ना, समझ रहा है ना, अदब से हाथ जोड़ेंगे थोड़ा। फिर प्रकरण का सत्संग चलता रहा, दृष्टि डाली, बुद्धिपूर्वक समझ अपने जगह की है, वो पंडिताई की हो सकती है, उतनी पंडिताई थी भी नहीं, लेकिन यथा योग्य संकोच से कहा था क्या से? जिससे सारी समझे पैदा हो कर लीन हो जाती, उस परम समझ स्वरूप में सदा विचरण करने वाले मेरे शिव स्वरूप गुरुदेव ने दूसरी दृष्टि डाली। बस व्यापकता व्यापकता आनंद आनंद असीमता, वाणी तो चले कहां, आंख तो खुले क्या। आसोद सुद दो दिवस संबत 20-21, ध्यान 2:30 बजे मिला ईश से ईश। देह सभी मिथ्या हुई, स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह, ये प्रकृति की है, इसमें परिवर्तन। कारण देह में निद्रा आती और जागृति होती, सूक्ष्म देह में विचार आते विकार आते चले जाते, स्थूल देह में भी बाल्यावस्था यौवन बुढ़ापा आता है बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलता है उसमें टिकाने वाले मेरे लीलाशाह प्रभु को आज के दिन तो करोड़ करोड़ प्रणाम बार बार। ये हमारे बस का नहीं, हम प्रयत्न करते तो करता भाव तो मौजूद रहता, कुछ झलके मिलती तो अहंकार बढ़ता और नहीं मिलती तो विफलता के विषाद में गिरे। न विषाद में गिरने दिया, न अहंकार में उलझने दिया, अपने दिल में ही दिल भर से मुलाकात कराने वाले सतगुरु लीलाशाह जी प्रभु को कितने प्रणाम करूं, फिर भी मैं उनकी कृपा से उर्ण नहीं हो सकता। तभी भी कुछ समय के बाद गुरु जी के चरणों में एक आध दिन दो दिन नहीं कुछ समय के बाद मौका मिला, गुरु जी को प्रार्थना की कि आपने जो दिया है उससे उरुण होने के लिए मुझे कोई कृपा आज्ञा दीजिए, कोई सेवा दीजिए। मेरे प्रभु ने कहा सेवा करेगा क्या? हाँ करेगा जी, बस जो मिला है उसमें टिको और दूसरों को जगाओ, आप पियो औरों को पिलाओ।
ये उन्हीं का संकल्प औरों को पिला रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये उन्हीं की प्रसादी, उन्हीं के सास भी उन्हीं का, गीत भी उन्हीं के। निमित्त मात्र ये शरीर दिखता है, साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है। वही गीत गा रहा है, वही साज बजा रहा है। हे गुरु कृपा, तू सदैव मेरे हृदय में निवास करना।